प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां आज बदमाशों ने दो बैंक टाइनी शाखाओं को लूटने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। पहला मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र के बसवाही गांव का है, जहां के अधिवक्ता विपिन शुक्ला की पत्नी सुनीता शुक्ला अघिया बसवाही रोड पर मुसन्नापुर गांव के पास बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा चलाती हैं। रोज की तरह मंगलवार को भी सुनीता सेंटर खोलकर बैठी थी, तभी बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाश टाइनी के समीप पहुंचे और टाइनी शाखा के काउंटर गेट को खुलवाने का प्रयास करने लगे। सुनीता ने मना किया तो बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। तमंचे से निकली गोली के छर्रे काउंटर खिड़की के सामने बैठी सुनीता के हाथ में जा लगे, जिससे वह घायल हो गई। इस पर सुनीता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब राहगीर व खेत में काम कर रहे मजदूर मौके की तरफ दौड़े तो नकाबपोश बदमाश कुंडा की तरफ भाग निकले। सूचना मिलते ही अपराध निरीक्षक संजय सिंह, चौकी इंचार्ज मनगढ़ रविशंकर द्विवेदी समेत भारी भरकम पुलिस बदमाशों की धर पकड़ के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल सका। पुलिस ने टाइनी संचालिका का बयान दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी होने पर सीओ अजीत सिंह भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर बदमाशों की धर पकड़ के लिए पुलिस को दिशा निर्देश दिए। दूसरी घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां के हुलास राय के पूर्वा गांव निवासी रमनीत पुत्र वासुदेव समसपुर सैलवारा में बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा का संचालन करता है। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे वह बैंक से पैसा लेकर डीहवा चौराहे से आगे नहर के पास पहुंचा ही था कि पीछे से आए अपाचे सवार तीन नकाबपोश बदमाश उसकी स्कूटी के पास पहुंचे और तमंचा सटाते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। रमनीत को मामला समझते देर न लगी और खुद को लूटता देख टाइनी संचालक ने शोर मचाते हुए स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। उसका शोर सुनकर राहगीर व ग्रामीण दौड़े तो अपाची सवार बदमाश सहजनी की तरफ भाग निकले। बदमाशों के भागने के बाद पीड़ित ने घटना की सूचना मानिकपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मानिकपुर पुलिस बदमाशों की धर पकड़ के लिए घेराबंदी करने के साथ ही मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने टाइनी संचालक से घटना की बाबत जानकारी जुटाई। कुंडा इलाके में जिस तरह बदमाश दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं, ये खाकी के लिए खुली चुनौती है। भले ही दोनों घटनाओं में बदमाश नाकाम रहे हों, लेकिन सरे राह हुई इन घटनाओं से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थाना कुंडा पर लगभग 12 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बसवाही के पास एक टाइनी शाखा में तीन बदमाश जो कि राइडर गाड़ी पर थे, लूटने का प्रयास करते हुए फायरिंग कर दी। इस सूचना पर तत्काल चेकिंग कराई जा रही है एवं पुलिस से तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।